दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने IRCTC अकाउंट के भूले हुए यूजर नेम और भूले हुए पासवर्ड को पता कर सकते हो। तो दोस्तों चाहे आप किसी भी ऐप या फिर वेबसाइट से ट्रेन टिकट की बुकिंग करो यानी कि रिजर्वेशन करो, चाहे आप कोई UPI ऐप से करते हो जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई और भी ऐप या फिर वेबसाइट जैसे कि इग्जिगो, गो वीवो, मेक माई ट्रिप, कन्फर्म टिकट ऐप, किसी से भी आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हो, रिजर्वेशन करते हो, तो वहाँ पे आपको @IRCTC अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होता है। अब हम लोग ट्रेन टिकट की बुकिंग रोज़ तो करते नहीं, रोज़ तो जर्नी करते नहीं ज़्यादातर लोग, तो ऐसे में बार बार यूज़र नेम इंटर ना करने की वजह से, बार बार पासवर्ड इंटर ना करने की वजह से हम अपना यूज़र नेम या फिर पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर दोनों ही भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान स्टेप्स में बताता हूँ कैसे आप अपने IRCTC अकाउंट के भूले हुए यूज़र नेम और पासवर्ड को पता कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा यूज़र नेम और पासवर्ड को पता करने का, आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और जो लास्ट वाला तरीका होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उससे आपका काम 100% बन जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में सबसे पहले जीमेल ऐप ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो मैं जीमेल ऐप क्यों ओपन कर रहा इसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा। तो प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट इसमें चले जाना है। वैसे आपके मोबाइल में मल्टीपल जीमेल अकाउंट ऐड किए हुए होते हैं, आप मल्टीपल जीमेल अकाउंट ऐड कर सकते हो। जीमेल अकाउंट का मैनेज योर गूगल अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में चले जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करके लास्ट तक आ जाना है इस सिक्योरिटी वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको पासवर्ड मैनेजर दिखाई देगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने अकाउंट का पासवर्ड गूगल अकाउंट के पासवर्ड मैनेजर में सेव करके रखते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल जीमेल अकाउंट है तो हर जीमेल अकाउंट के पासवर्ड मैनेजर में जाकर के आप अपने IRCTC अकाउंट का पासवर्ड चेक कर लोगे। किसी जीमेल ID के पासवर्ड मैनेजर में अगर आपने पासवर्ड को सेव किया होगा IRCTC अकाउंट के पासवर्ड को, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल अकाउंट के पासवर्ड को मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। यहाँ पे मुझे IRCTC.co.in ये दिखाई देता है, मीन्स यहाँ पे मेरे IRCTC अकाउंट का भी पासवर्ड सेव किया हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक करना है, मोबाइल का जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड है वो इंटर करके कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मेरा पासवर्ड देखने को मिल जाता है। ये मेरा यूज़र नेम नहीं है, यूज़र नेम यहाँ से पता नहीं चलता है, लेकिन आपको पासवर्ड पता चल जाएगा। यूज़र नेम कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो यहाँ पे सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका, यहाँ से मुझे पासवर्ड तो पता चल गया, अब यूज़र नेम कैसे पता करना है। तो जो भी IRCTC अकाउंट के साथ आपने ईमेल ID लिंक कर रखा है, अकाउंट क्रिएट करते समय ही आप अपना जीमेल ID और ईमेल ID IRCTC अकाउंट में डालते हो, तो जब भी आपने पास्ट में ट्रेन टिकट बुक किया होगा तो आपको ट्रेन टिकट ईमेल पे भी भेजा जाता है, और उस ट्रेन टिकट में आपको अपना IRCTC अकाउंट का यूज़र नेम भी मेंशन किया हुआ मिल जाता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, वो जीमेल ID स्विच कर लेना है, यानी कि वो जीमेल ID ओपन कर लेना है और सर्च में जा करके जीमेल के सर्च करना है IRCTC। IRCTC सर्च करोगे तो IRCTC की तरफ से जितने भी ईमेल आए हैं आप उसको चेक कर लोगे। कोई भी ईमेल आपको टिकट वाला मिलता है जो कि आपने पास्ट में किया होगा, तो उस टिकट में आपको यूज़र नेम देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ईमेल ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हो मेरा यूज़र नेम यानी कि IRCTC अकाउंट का यूज़र नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये हो गया पहला मेथड, सबसे पहले हमने पासवर्ड पता कर लिया पासवर्ड मैनेजर में जाके गूगल अकाउंट के, दूसरा हमने ईमेल में ही पता कर लिया अपना यूज़र नेम। ये पहला मेथड है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, अगर किसी के लिए ये मेथड काम नहीं करता है तो उसके लिए दूसरा मेथड। तो अभी क्या करना है, सिंपली आपको अपने मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप इसको ओपन करना है। अगर ये ऐप आपके पास इंस्टॉल किया हुआ नहीं है तो सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप सर्च में IRCTC सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको ये ऐप, एग्जैक्टली ये ऐप IRCTC रेल कनेक्ट, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ऐप को ओपन करने के बाद इस टाइप का दिखाई देता है, यहाँ पे आप या तो लॉगिन पे क्लिक करोगे या फिर नीचे आपको माई अकाउंट दिखता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन या फिर लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको पहले मेथड से यूज़र नेम और पासवर्ड पता चल जाता है तो अच्छी बात है, आप सिंपली लॉगिन कर पाओगे। अगर पता नहीं चला है अभी भी, मीन्स पहला मेथड काम नहीं किया है, तो अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे फॉरगॉट अकाउंट डिटेल्स ये दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर करने के लिए कहा जाता है यूज़र नेम, ईमेल या फिर मोबाइल नंबर, आपके IRCTC अकाउंट का यूज़र नेम, ईमेल या फिर मोबाइल नंबर। तो अगर आपको यूज़र नेम पता चल जाता है पहले मेथड से, तो यहाँ पे आप पासवर्ड पता करने के लिए अपना यूज़र नेम इंटर कर सकते हो। यानी कि पासवर्ड मैनेजर में आपको पासवर्ड दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपको यूज़र नेम ईमेल में दिखाई दे दिया, पास्ट में जो टिकट किया था उस टिकट के ईमेल में। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम इंटर कर सकते हो और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास अभी तक यूज़र नेम पता नहीं चला है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे। तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए पासवर्ड पता करने के लिए। यूज़र नेम भी पता नहीं है तो सिंपली आप अपना ईमेल आईडी इंटर कर दोगे या फिर मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे। इन तीनों में से एक चीज़ तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी मान के चलता हूँ कि मुझे अपना यूज़र नेम पता नहीं चला है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। सिंपली मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा टाइप करना है। मोबाइल नंबर कैप्चा टाइप करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप चाहो तो ईमेल आईडी भी इंटर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र नेम एंड ओटीपी आर सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और ये है मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि IRCTC अकाउंट से लिंक किया हुआ है। यही मोबाइल नंबर मैंने अभी इंटर किया है। तो SMS में मुझे OTP और यूज़र नेम दोनों भेजा गया होगा। तो यहाँ पर मैं SMS ऐप ओपन कर लेता हूँ ओके पे क्लिक करके। तो SMS ऐप में आप देख सकते हो मुझे मेरा यूज़र नेम और OTP देखने को मिल जाता है। तो अब मुझे अपना यूज़र नेम पता चल चुका है। यह है दूसरा मेथड यूज़र नेम पता करने का, और यहाँ मुझे OTP भी देखने को मिल जाता है। अब मुझे ये यूज़र नेम और OTP ऐप में जाके इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐप को ओपन करके अपना यूज़र नेम और OTP इंटर कर दिया है जो कि मोबाइल नंबर पे आया था। अब यहाँ पे आपको नया पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको एक बार में OTP या फिर यूज़र नेम नहीं आता है तो यहाँ से आप रिसेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना नया पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप सिंपली अपना न्यू पासवर्ड इंटर कर दोगे, सेम न्यू पासवर्ड को री इंटर करके कंफर्म कर लोगे, और यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो पासवर्ड सेट कर दिया है, कैप्चा इंटर कर दिया है, सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, मेरा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और मुझे यूज़र नेम भी पता चल चुका है और इस चीज़ का मुझे SMS भी आ चुका है। ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके कैप्चा को इंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मोबाइल पिन सेट करना होगा इस ऐप के लिए। अगली बार जब आप इसी मोबाइल में IRCTC अकाउंट को लॉगिन करना चाहोगे तो बस आपको ये 4 डिजिट का पिन इंटर करना होगा जो कि यहाँ पे अभी आप सेट करोगे। बाकी अगर आप ऐप को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करते हो तो फिर से आपको IRCTC का यूज़र नेम और पासवर्ड ही इंटर करना होगा और फिर से आपको ये पिन सेट करना होगा। तो ये जो 4 डिजिट का पिन अभी आप सेट करोगे ये टेम्पररी होता है, आपको मेन यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना है। तो यहाँ पर मैं पिन सेट कर लेता हूँ 4 डिजिट का, और सेम पिन वापस से री इंटर करके कंफर्म कर लेना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगली बार इसी मोबाइल में यानी कि इसी ऐप में लॉगिन करने के लिए मुझे यही पिन इंटर करना होगा और कैप्चा इंटर करना होगा और मैं सिंपली लॉगिन कर पाऊँगा।